स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है टाटा टेली सर्विसेस लिमिटेड, जिसको हम लोग TTML नाम से जानते हैं। मुझे बहुत बार कमेंट किया गया कि TTML के ऊपर सर मेरा अभी निवेश है इस लेवल में, तो मैं क्या करूं। बहुत सारे कमेंट्स किया क्या सर अभी बाई करना चाहिए क्या सेल करना चाहिए। तो इस कमेंट के बेसिस में मैं इस वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फिलहाल के लिए मेरा जो सिचुएशन है इस कंपनी के ऊपर वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए TTML के ऊपर मैं सबसे पहले अगर मैं कंपनीज के डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो ROC आपको बेस्ट देखने को मिलेगा। कंपनी के डेप्थ कितना है वो आपको यहाँ पे बैलेंस शीट में दिखेगा। कंपनी के देखिए अगर कर्जे के बारे में बात करूँ तो कंपनी का कर्जा बहुत ज़्यादा है। अभी क्वेश्चन है कि कंपनी के डेप्थ ऑफ इक्विटी क्यों नहीं दिखा रहा है। डेप्थ ऑफ इक्विटी ना दिखाने का मेन वजह यही है कि कंपनी का जो रिजर्व है वो देखा जाए तो रिजर्व नेगेटिव में है, मतलब रिजर्व नेगेटिव में है और फिक्स एसेट एकदम ना के बराबर है। और उसी बेसिस में कंपनी का बोरिंग्स 20,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मतलब कंपनी एक ऐसे सिचुएशन में ट्रैवल कर रहा है जो कंपनी को किसी न किसी टाइम में बहुत बड़ा खतरा दे सकते हैं। ऑब्वियसली कंपनी पहले से ही खतरे में है और भी ज़्यादा एक बिग प्रेशराइज में कंपनी यहाँ पे आगे बढ़ सकता है। बाकी देखिए एज ए इन्वेस्टमेंट कंपनी की इन्वेस्टमेंट कितना है 34 के आसपास है। कंपनी का आधा एसेट कितना है 425 के आसपास है। तो कंपनी के जो कैश फ्लो है वो देखा जाए तो कंपनी के कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो 586 करोड़ देखने को मिला, क्या सही में इतना कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। अगर देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट नेगेटिव में है। तो बेसिकली जो डेटा है उस डेटा के अंदर मुझे उतना क्लियरिटी डेटा देखने को नहीं मिला जिसके कारण मैं इस कंपनी के ऊपर काम करूँ। तो मुझे लगता है कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए जो सिचुएशन बना है उसमें कंपनी को अच्छा खासा ग्रोथ करना चाहिए, अच्छा खासा पॉजिटिविटी दिखाना चाहिए। क्योंकि टेली सेक्टर के ऊपर, टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर सर अकेला भारत एयरटेल अच्छा खासा काम कर रहा है, जहाँ पर नेट प्रॉफिट नेट सेल बहुत तगड़ा है। वोडाफोन आइडिया के भी सेल्स बहुत शानदार है, मगर यहाँ पे परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो सेल्स कम हो चुके हैं और प्रॉफिट तो छोड़ ही दीजिए, कंटिन्यूसली कंपनी वोडाफोन आइडिया लॉसेस ही करते चले जा रहे हैं। जो भारती जो है एक्सीकॉम है उसके ऊपर देखा जाए तो ये भी अच्छा खासा काम कर रहा है और टाटा जो कम्युनिकेशन है वो भी अच्छा खासा काम कर रहा है। चलो कंपनी के ऊपर टाटा टेली सर्विसेज जो है उसके ऊपर कुछ खास परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिला। फिर भी अगर मैं इन्वेस्टर के बारे में इसे बात करूँ तो पब्लिक के जो होल्डिंग है 23%, इस पब्लिक ही सबसे ज़्यादा होल्डिंग रख के रखा है। बाकी प्रोमोटर के पास उतने ज़्यादा होल्डिंग्स देखने को, सॉरी प्रोमोटर के पास होल्डिंग है बाकी FSODS के पास उतने ज़्यादा होल्डिंग्स नहीं है। मान लेता हूँ टेलीकॉम सेक्टर में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, एक्सपेंस से भी ज़्यादा, फिर भी भारतीय एयरटेल जैसे कंपनी इतना ज़्यादा लोन लेकर भी वो प्रॉफिट में है। तो ऐसे कुछ काम तो किया है जिसके चलते इसका प्रॉफिट बढ़ चुका है। तो मैं जरूर कहूँगा इस TTML के ऊपर काम करने से पहले डीपली रिसर्च करना चाहिए। क्योंकि कंपनी के ऊपर कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो अगर मैं कंपनी के कैपेक्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी के कैपेक्स एकदम ना के बराबर है। तो पहले एक टाइम बहुत ज़्यादा कैपेक्स कंपनी अनाउंसमेंट किया था 2017 में 2,000 करोड़ के आसपास, और आज वो कैपेक्स घट के सर 103 करोड़ हो चुके हैं। उसी तरीके से अगर चार्ट के बारे में बात करूँ तो देखिए कंपनी के ऊपर एक लगातार गिरावट का माहौल देखने को मिला और जो गिरावट का माहौल है वो बहुत खतरनाक है। क्योंकि मैं अगर टॉप लेवल से अगर मैं करंट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट कंपनी का जो करेक्शन हुआ, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, जो कंपनी हाई किया था वो चार्ट भी उतना क्लियरिटी देखने को नहीं मिला है। टॉप लेवल से अगर लो लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 80% के आसपास क्रैश हो गया था, और 80% के क्रैश होने के बाद कंपनी के ऊपर एक रेंज बना था कुछ इस तरीके से, बाइंग कैंडल का रेंज बने। तो बाइंग कैंडल का जो रेंज बने तो नीचे लेवल का टच करेंगे तो एंट्री बनेगा, तो ऑलमोस्ट उस नीचे लेवल को टच करने के लिए आया था। कब आया था? जब इलेक्शन का रिजल्ट था उस दिन टच करने के लिए आया, और उसके बाद बाउंस बैक करके इस हाई लेवल तक पहुंच चुका है। तो क्या मैंने इस जगह पे एंट्री लिया? बिल्कुल नहीं। मैं पहले ही बोल चुका हूँ पैटर्न्स कुछ भी दिखे मगर कंपनी का फाइनेंशियल ग्रोथ ठीक नहीं है, कंपनी कंटिन्यूसली लॉसेस में है, तो उसके ऊपर मैं काम नहीं करता हूँ। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ जो चीज़ों को पहले समझिए, आपको बहुत सारे कंपनीज मिल जाएगा। आपको लॉसेस कंपनी के ऊपर काम करने का क्या ज़रूरत है? आपको अगर काम करना ही है तो आप प्रॉफिटेबल कंपनी के ऊपर काम करिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस कंपनी के ऊपर काम करूंगा तो पहले आप वही वही सेक्टर को, वही कंपनी के ऊपर काम करिए जो आपको फिजिकली दिख रहा है। मान के चलिए आप कोई भी
ऑटो सेगमेंट के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो आप रास्ते में जो गाड़ी है सबसे ज्यादा दिख रहा है तो उसको देखकर भी तो आप काम कर सकते हैं। उसको देखकर आप एक बार रिसर्च तो कर सकते हैं कि हाँ सेल्स ठीक है, प्रॉफिट ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको सारे डेटा डिस्कशन करता हूँ उस डेटा को तो आप देख सकते हैं। उसको देख कर काम करेंगे तो आपको वहाँ पे लॉसेस होने का चांसेस कम हो जाता है। ऐसे नहीं कि लॉसेस नहीं होगा, कम हो जाएगा। अगर आप ना देख कर ना सोच कर समझ कर ही काम करेंगे तो शायद आपको एक दो बार तुक्के से प्रॉफिट मिल जाएगा, बाकी टाइम आपको बिग लॉसेस देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है अशोक लेलैंड। फाइनली अशोक लेलैंड के ऊपर कुछ दिनों से करेक्शन देखने को मिला, थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट का माहौल देखने को मिला है कंटिन्यूसली। तो उसके पीछे रीज़न यही है कि कंपनी का रिजल्ट जो है, मतलब जो कंपनी का जून मंथ का जो डेटा है, जून मंथ का जो डेटा है वो डेटा, मतलब सेल्स का जो डेटा है वो डेटा खराब हो चुका है। मतलब सेल्स का डेटा खराब आया है। किस तरीके से खराब आया, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। अशोक लेलैंड के जो टोटल सेल्स है वो 14,940 यूनिट का सेल किया गया है, जो पिछले साल में था 15,221। ओवरऑल सेल्स अच्छा खासा डाउन हुआ है। आप ये भी बता जा रहे कि जून का टोटल जो व्हीकल्स है उसका सेल्स भी आप देखेंगे तो जो MHCV जो व्हीकल्स है उसका भी सेल्स कम हुआ, और जो हैवी व्हीकल्स है उसका भी, बसेस है उसका भी जो सेल्स है वो भी कम हो गया। मतलब सेल्स का जो डिमांड है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा था, मगर यहाँ पे हुआ कुछ उल्टा। तो मैं जरूर कहूँगा आप जब भी इस तरीके से कंपनी के ऊपर काम करेंगे इस चीज़ों को नोटिस करना होगा। तो क्वेश्चन है कि सेल्स डाउन हुआ है क्या कंपनी खतरे में पड़ सकता है? बिल्कुल नहीं। कंपनी का सेल्स डाउन आज पहली बार नहीं हुआ, बीच में भी बहुत बार हुआ। तो कंपनी जिस तरीके से काम कर रहा है, जिस तरीके से खुद को मेंटेन्स करता है, तो वो उसका ग्रोथ ऑब्वियसली अपकमिंग टाइम्स में आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला, सेल्स सेल्स यहाँ पे सेल्स का जो आंकड़ा है वो कुछ इस तरीके से कंटिन्यूसली देखने को मिला है। तो सेल्स लगातार यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले। एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट 370 से 150, 800 करोड़ और 900 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। तो नेट प्रॉफिट का जो ग्रोथ है वो शानदार तरीके से बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी जो कंपनी के ऊपर बैलेंस शीट है वो भी देखेंगे तो कंपनी का जो बोरिंग्स है इस बार हाइस्ट देखने को मिला। तो कर्जा इसीलिए उठाया गया क्योंकि कंपनी को बहुत सारे बसेस का ऑर्डर मिला, बहुत सारे प्रोजेक्ट मिला, जिसके चलते कंपनी के कर्जा ज़्यादा हुआ। और कंपनी के कर्जा ज़्यादा होने के साथ साथ कंपनी के जो ट्रेड रिसिवेबल है, कंपनी के जो प्रोजेक्ट मिला लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का हाइस्ट प्रोजेक्ट देखने को मिला है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा है कि जो कंपनी कर्जा लिया कि उस कर्जे को मिटा सकते हैं, इजीली मिटा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। 40,000 का कर्जा है और कंपनी के हाथ में कितना है, 8 8 16 117 करोड़, और उसके साथ साथ हाथ में कैश कितना है, हाथ में कैश है 7 करोड़। तो अराउंड आप बोल सकते हैं 16 और प्लस 7 23 करोड़ के आसपास टोटल हाथ में कैश है, मगर कंपनी कर्जा ले लिया 40 करोड़। मतलब कंपनी के हाथ में जो कैश है उस कैश से जो रिजर्व है, जो फिक्स्ड एसेट है, सब कुछ मिलाकर भी कंपनी इजीली उसको पेमेंट नहीं कर पाएंगे। हाँ पेमेंट कर पाएंगे जो ऑब्वियसली उसका इन्वेस्टमेंट भी है, और भी बहुत सारे डेटा आपको देखने को मिलेगा। रिक्सी कंपनी तो है ही, फिर भी अशोक लेलैंड जैसे कंपनी का ग्रोथ अपकमिंग टाइम्स में ज़्यादा बढ़ने का चांसेस इसीलिए है क्योंकि ऑटो इंडस्ट्रीज में EVs का जो बसेस है उसका डिमांड आज जितना है, फ्यूचर में और भी ज़्यादा बढ़ने का चांसेस है, क्योंकि गवर्नमेंट EV बसेस का बहुत सारा ऑर्डर्स अलग अलग कंपनीज को दे रहा है। तो आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि जब मैंने इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लिया तो मैंने डिसीजन लिया इसका टारगेट तक होल्ड करूंगा। हाँ अशोक लेलैंड के ऊपर जब मैंने ट्रेड लिया तब इसका लेवल था 167 रुपीज़ के आसपास, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न ट्रेड हुआ था, लंबा सा जर्नी के हिसाब से एक पैटर्न बना था, कप विद हैंड पैटर्न, उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद धीरे धीरे करके कंपनी ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, और इजीली वो इस लेवल तक जाकर टारगेट को अचीव कर सकते हैं। बाकी आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा केमिकल्स लिमिटेड। तो टाटा केमिकल्स लिमिटेड बेसिकली टाटा ग्रुप की एक अकेला केमिकल्स कंपनी है, जो देखा जाए तो बहुत पुराना कंपनी है, 1939 में स्टार्ट हुआ था, आज का नहीं है, 1939। मतलब सोचिए कंपनी अराउंड 80 ईयर्स तक हो चुके हैं, 80 ईयर्स से भी ज़्यादा हो चुके हैं, तो इतना पुराना कंपनी है। और टाटा ग्रुप की कंपनी है जहाँ पे एक ट्रस्ट तो बिल्ड होता ही है, तो फिर भी देखना बाकी है कि कंपनी सही में क्या सही दिशा में जा रहा है। देखिए कंपनी के ROE खराब हुआ है। खराब किस लिए हुआ, देखा जाए तो कंपनी का सेल्स
लास्ट कुछ क्वार्टर्स में कम होता देखने को मिला है। अभी कम इसीलिए हुआ क्योंकि केमिकल प्रोडक्ट का जो मार्केट में डिमांड है, लास्ट 1 ईयर से भी ज़्यादा केमिकल के मार्केट में डिमांड बहुत कम हुआ है। और इसी कम डिमांड के चलते हुए कंपनी के सेल्स कम हो गया और उसी बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी कम हो गया। अभी कंपनी के ऊपर इस बार लॉसेस क्यों देखने को मिला? क्योंकि कंपनी का खुद के बिजनेस में लॉसेस नहीं हुआ। मान लेता हूँ कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ मगर लॉसेस नहीं हुआ, तो एक्चुअली कंपनी का जो आधा इनकम है वहाँ से कंपनी को 850 करोड़ का लॉस झेलना पड़ा, जिसके चलते टोटल फिगर आउट 850 करोड़ के आसपास लॉसेस देखने को मिला है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने की एक ग्रोथ एंड पोटेंशियल आपको देखने को मिल रहा है, जिस बेसिस में कंपनी थोड़ा सा टाइम लग सकता है इस रिकवरी करने का। इसीलिए इस कंपनी के ऊपर एक पैटर्न्स भी बना है, जिस पैटर्न्स को मैं फॉलोअप करके चल रहा हूँ, जो एक लंबा सा जर्नी के हिसाब से एक रेंज बना, एक बाइंग रेंज बना, बेस्ट तरीके से कंटिन्यूसली हाई वॉल्यूम के साथ ऑपरेटर ने इसको ऊपर लेके गया। तो ऑपरेटर कोशिश कर रहा है इसको फिर से नीचे लेके आएंगे, इस लेवल को टच कराएगा तो यहाँ पे एंट्री बनेगा और इस हाई लेवल तक इसका टारगेट बनेगा। इसके लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से पैटर्न्स बना है वो इसका लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करके पैटर्न बनाया था, मतलब वही लेवल तक जाने का वो इजीली कोशिश करेंगे, उससे पहले एंटी होना चाहिए। तो एंटी जब बनेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बाद टारगेट के लिए मैं इंतजार करूंगा। तो आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, पहले सीखिए मेरे वीडियो में, हर कुछ आपको हर डेटा सीखने को मिलेगा, सीखने के बाद ही आप काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है अलायंस इंटीग्रेटेड जो मेटलिक्स लिमिटेड। तो देखा जाए तो अलायंस इंटीग्रेटेड मेटलिक्स लिमिटेड जो है, तो उस कंपनी के ऊपर अगर चार्ट को दिखा दूँ तो इसका चार्ट बहुत शानदार देखने को मिला, 20 रुपीज़ से आज 90 रुपीज़ तक चला गया है। तो ऑलमोस्ट 3 टाइम से भी ज़्यादा कंपनी रिटर्न दे चुके हैं। और इसी बेसिस में कंपनी के ऊपर एक गुड अपडेट भी आया जो है बोनस का। कंपनी स्प्लिट दिया था 2015-22 में, और 2024 में 11th of July कंपनी 1:1 का यहाँ पे बोनस देने जा रहा है, मतलब हर एक के बदले 2 शेयर कंपनी देने जा रहा है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।